तो नमस्कार, स्वागत आपका हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हैं अजीत सिटी ब्लॉग। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. एक ऐसे घने जंगल में जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, तो चलिए आज जंगल का सैर कराते हैं और आपको जंगल दिखाते हैं। वाव, मैं आ चुका हूँ अमेजोन के जंगलों में और मैं आपको यहाँ का कुछ पौधों के बारे में दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। तो ये रहा एक पौधा जिस पे तितली बैठने की कोशिश कर रही है और बैठी भी है, देखिए उड़ गई। और मैं आपको बता दूं इस पौधे के बारे में और इसका नाम क्या है। इसका नाम है उरेना लोबाता। जी हाँ, उरेना लोबाता। तो हमने आपको एक पौधे के बारे में बताया और चलिए आगे भी बताते हैं। चलते हैं अगले अपने उस वृक्ष की तरफ जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दिख रहा है इसको, खास तौर पर हम लोग बोलते हैं खजूर का पेड़, बट नहीं, खजूर का पेड़ नहीं, इसका ओरिजिनल नाम है डेट पाल्म ट्री। जी हाँ दोस्तों, डेट पाल्म ट्री इसका ओरिजिनल नाम है। इसको हम आम तौर पे आम भाषा में बोलते हैं खजूर का पेड़। तो आप समझ गए, ना ही हम बोले रहे हैं तो ये खजूर का ही पेड़ है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम डेट पाल्म ट्री नाम है। मैं बता दूं आपको, यह आम का पेड़ खास तौर पर आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं भी सोचा क्यों ना एक पेड़ पौधे के ऊपर भी एक ब्लॉग बना ही दिया जाए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं ना। तो यह है आम का पेड़, मतलब सिंपल तौर पर भी इसको आम ही का पेड़ बोलते हैं, मैंगो ट्री। क्या मैंने गलत किया? नहीं किया ना। मैं भी सोचूं एक जंगलों के ऊपर भी एक ब्लॉग बना ही दिया जाए, क्या हर्ज है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे का नज़ारा देखते हैं इस घने से जंगलों में और आपको दिखाते हैं इस घने घने जंगलों में है क्या और इसके अंदर क्या क्या नज़ारे हैं। और बता दूं मैं आपको इस जंगल के बारे में और आपको दिखा भी दूं। तो ये आप देख सकते हैं और क्या बताएं। अब मैं चलते जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको पेड़ के ऊपर से नज़ारा। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी मैं ऊंचाई पे खड़ा हूँ और आप लोगों को इंजॉय कराऊंगा इस जंगल का। ली बाबा,
और आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा, पैसे आपको खूबसूरत नज़ारा, तो ये लीजिए तो आपको और भी दिखाते हैं। उड़ी बाबा, आप लोगों को बता दूं, पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, हम यानी मानव जाति के लोग, यानी कि इंसान तभी रहेंगे जब ये पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे। तो मैं आप लोगों को एक मतलब बताना चाह रहा हूँ कि मतलब पेड़ पौधे होने चाहिए, पेड़ पौधों को ना काटें। अब ये देखिए पेड़ गिर गया है, आंधी तूफान में गिरा हुआ है, इसको कोई काटा पीटा नहीं है, ये गिरा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये पेड़ गिरा हुआ है, इसको काटा नहीं गया। बट हाँ, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, पेड़ पौधे हैं तो इंसान हैं, और इंसान हैं तो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों को ना काटे। सेव ट्री, सेव ट्री, सेव ट्री, सेव मानव। अब मैं चलते जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको पेड़ के ऊपर से नज़ारा। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी मैं ऊंचाई पे खड़ा हूँ और आप लोगों को इंजॉय कराऊँगा इस जंगल का। ली बाबा, और आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा, पैसे आपको खूबसूरत नज़ारा, तो ये लीजिए तो आपको और भी दिखाते हैं। उड़ी बाबा, हम जहाँ खड़े हैं वो है शीशम का पेड़, और वो जो पेड़ दिखा रहे थे आपको गिरा हुआ है, तो गिरा तो है बट अभी हरा भरा है, सूखा हुआ नहीं है, तो अच्छा है, प्राकृत नेचर बनाए रखना चाहिए। और देखिए वो गिर कर भी अभी हरा भरा है, तो हमने सोचा आपको दिखाई देते हैं, क्या चलिए दिखाते हैं। तो यही है वो गिरा हुआ पेड़, आप देख सकते हैं लेटा हुआ है पूरा, तो यही है। और ये देखिए ये दक्षिण पीछे, यह है शीशम का पेड़ और इसके ऊपर हम खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये हम इसके ऊपर खड़े हैं। हाँ तो मैं आपको बता दूं, मैं आया घूमकर ये जंगल देख भी लिया, तो आप लोग भी आइए और देखिए खूबसूरत खूबसूरत इस जंगलों का नज़ारा। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, सेव ट्री सेव मानव। तो आपको दिखाते हैं मैं कहाँ पर बैठा हूँ और यहाँ का नज़ारा कैसा है, तो ये आप देख सकते हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग। बाबा डर तो लगत है, क्या करें, ये आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और इधर से कैसा नज़ारा दिख रहा है। वाओ, इट्स अमेजिंग। चलते हैं, अब हम यहाँ से छलांग लगाएंगे और देखते हैं छलांग लगा कैसा लगता है हमें, तो आप लोग जरूर बताइएगा। और ये हम लगाने जा रहे हैं यहाँ से छलांग तकरीबन 9 फीट के ऊपर से, तो आपको हम दिखाते हैं छलांग लगा के। और डर तो लग रहा है, ये ये अब हम लगाएंगे छलांग, तो चलिए छलांग लगाते हैं। ओ 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 तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं बाहर क्या है क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं, और ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये मैं हूँ और ये है जंगल। जंगल अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं क्या है उधर।